उमरिया जिले के विधानसभा क्षेत्र बांधवगढ़ एवं मानपुर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन अपने समर्थकों के साथ दाखिल किए हैं। नामांकन दाखिल करने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बांधवगढ़ से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी सावित्री सिंह एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 90 मानपुर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी तिलक राज सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन दाखिल किए। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र मानपुर 90 से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी उषा कौल ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के पश्चात सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। मानपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से यह चुनाव हम जीतेंगे। वहीं बांधवगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है जिससे हमारी जीत होगी। इस दौरान नामांकन दाखिल करने के उपरांत आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उषा कौल ने कहा कि इस बार चुनाव में जनता धमाका करने वाली है। उषा कौल ने कहा कि वह जनता को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा चुनाव में शामिल हुई है। गौरतलब है कि भाजपा के अधिकृत बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शिवनारायण सिंह और मानपुर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी मीना सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। लाभ मिलेगा इस जन आंदोलन हम इसलिए करते हैं कि हम जनता से जुड़े हुए हैं और जनता जब हमारी रोड में रहेगी तो हमको रोड में रहना पड़ेगा, उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वही हम करते आए हैं जो जनता के बीच में बराबर लड़ते आए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी उनके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जनता चुनाव लड़ रही है, क्षेत्र की मतदाता चुनाव लड़ रही है और बड़े भारी बहुमत से जीत के और कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल देगी जनता। कोई कहीं नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और अफवाह फैला रही है। इतनी सदमे में है भारतीय जनता पार्टी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम करें तो करें क्या, हमारे लोगों को भड़का रहे हैं और जनता के बीच में रूमर फैला रहे हैं कि इधर उधर जा रहे हैं। हमारे साथ सारे लोग हैं और सारे कांग्रेस के काम कर रहे हैं और माननीय कमलनाथ जी के साथ में है, जिला कांग्रेस कमेटी के साथ में है, सारे प्रत्याशी हमारे जो टिकट मांग रहे थे सारे हमारे साथ में और काम कर रहे हैं। आज मैं अपना नामांकन दाखिल किया हूं। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व ने प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से घोषित किया है और मैं जनता जनार्दन के बीच में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली, रोड को लेके जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से निवेदन करूंगा और मुझे विश्वास है कि मानपुर विधानसभा से पहली बार लोकल प्रत्याशी घोषित किया है, राष्ट्रीय पार्टियों से मिला है, इसलिए जनता जनार्दन इस तरह इस बार अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। जहाँ तक देखने में आ रहा है आपके कांग्रेस के बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के पक्ष में जा रहे हैं, आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं और सब साथ मिलके लड़ेंगे। को मेरा नमस्कार। धमाका तो इस बार जनता करने वाली है तो ये आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये जो हमारे पार्टी की जो योजना है वो तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हम निकल रहे हैं जो कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जितने भी मुद्दे हैं वो हमारी मुद्दे लेके हम निकल रहे हैं और बाकी सब हमारी जनता इस पर हमारा निर्णय करेगी। देखिए, जीत हार इस पे क्या कहा जा सकता है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये है कि इस बार जनता बहुत ही त्रस्त है। उन्होंने 20 साल हो गए, आज़ादी के 70 साल भी हो गए हैं, अपना मत वो देते आ रहे हैं लेकिन आज जनता को जमीनी स्तर पर उनका लाभ नहीं मिला है। तो इस बार मैं तो क्षेत्र की जनता से भी कहने चाहूँगी कि इस बार वो अपनी ताकत दिखाएं बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के और इस बार आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाऊँगी कि अगर मेरी जीत हासिल होती है तो जितना भी जनता क्षेत्र में जो काम नहीं हुए हैं उन मुद्दों पर मैं काम करूंगी, लोगों को पूरा न्याय दिलाऊंगी और जो क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके जो बस्ती विकास मद का जो पैसा आया था जिसका बंदरवाट किया गया है, उसके लिए भी मैं लड़ाई करूंगी और उनका न्याय दिला के रहूंगी। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।